जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़ी ये सभी महिलाएं चित्रगुप्त महिला परिषद सहित विभिन्न महिला संगठनों की सदस्य हैं। गृह मंत्री के नाम ज्ञापन लेकर ये सभी यहां पहुंची हैं। इनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, उससे समाज में भी गलत संदेश जा रहा है। तमाम मौकों पर पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही तक नहीं करती। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, इसके बावजूद सड़कों पर महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले सामने आते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। महिला संगठनों की मांग है कि गृह मंत्रालय खुद इन सभी मामलों का संज्ञान ले और कार्यवाही करे, जिससे महिलाओं का मान सम्मान सुरक्षित रह सके। इन्हीं सभी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। आज हम माननीय जिला आयुक्त को गृह मंत्री सरकार गृह मंत्रालय में एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, तो हम लगभग 25 संगठन के लेटर्स के साथ ज्ञापन देने आए हैं। मांग करने आए हैं कि जो भी हम महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है, उसे रोका जाए, उस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि महिला आज देश की धुरी बन चुकी है। जिस देश की महिला राष्ट्रपति है, जिस देश में पहले भी महिला राष्ट्रपति बन चुकी है और महिलाओं को कमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, उस देश में उस हालातों में अगर महिला के साथ इस तरह से बर्बरता होगी तो हम लोग सहन नहीं करेंगे। अपना हक मांगना हम लोग सीख गए हैं। चित्रगुप्त महिला परिषद की ओर से यहाँ DM कार्यालय पर हम ज्ञापन देने आए हैं। केंद्र सरकार में हमने ज्ञापन दिया है माननीय महोदय DM साहब माध्यम से। ये पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिला पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आज देश की हर महिला उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। हर यहाँ पर आगरा के करीब 25 से 30 लेटर पैड हमने यहाँ पर अब महिलाएं आई हुई हैं, आप देख रहे हैं, इस बारिश में भी रुक नहीं रही हैं और इस अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाती रहेंगी कि महिलाओं किस तरह सड़क पर उसे पीटा जा रहा है, जबकि महिला मुख्य दर्शक देख रही है। ये क्या मानसिकता है? हमारे देश में देवी के स्वरूप में माना जाता है, कन्याओं को देवी के स्वरूप में हम पूजा करते हैं। इस देश में वहाँ पर ऐसी महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ हमारी सभी महिला समिति संगठन इसका पुरजोर विरोध करती है और माननीय अपने मोदी जी से, हमारे केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि ऐसी सरकार गिराने का काम करें जो कि महिलाओं के साथ अत्याचार करती है और उनके साथ न्याय नहीं करती। आज पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके संदर्भ में आज गृह मंत्री जी के लिए DM आगरा के द्वारा हम आज ज्ञापन दिया है, जिससे जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा और महिलाओं के साथ ना हो, उनको शर्मसार करने का जो कार्य किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में चौराहों पे, उनको रोका जाए, यही मेरा सरकार से निवेदन है। DG महाराजा न्यूज के लिए साजिद की रिपोर्ट।